नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्टर प्लस न्यूज। पीछे एक मंदिर है और मंदिर को इसलिए दिखाने के लिए आए हैं क्योंकि यहाँ पे एक भैया थे, वो बताने लगे, वीडियो दिखाने लगे कि भैया यहाँ पे जो है कर्मकांड का काम जो है इस मंदिर पे बैठ के किया जाता है। क्योंकि आपको पता होगा कि कर्मकांड दाह संस्कार के बाद जो पूजा पाठ किया जाता है वो पवित्र स्थल पे नहीं किया जाता है, क्योंकि कहते हैं लोग कि इसमें छूत है और उसको अन्य जगह पर ले जा करके कहीं किया जाता है। लेकिन एक काम देखिए, मंदिर पर किया जा रहा है कर्मकांड, मरनी करनी का काम मंदिर पर हो रहा है, ठीक है। और यह 5 महीने से यह पेंडिंग में पड़ा हुआ है, न चेयरमैन खोज रहे हैं इसे न सभासद, और जब भी कुछ होता है तो ये कहते हैं लोग कि अपना हो जाएगा काम। ये देखिए मंदिर में हो रहा है काम, 5 महीने से पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये कर्मकांड हो रहा है बैठकर यहाँ पर। इन लोगों से कहा जा रहा है तो कह रहे हैं बीत जाएगा तो हम देख लेंगे बाद में, किसी से हम कह के करवा लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये पिपराइच नगर पंचायत के वार्ड नंबर 17 का हाल है, पोखरा टोला है ये, और पोखरे के बगल में ही पोखरे टोले के पे ही ये मंदिर है और मंदिर पे कर्मकांड कराया जा रहा था। बगल में वीडियो भी आप देख रहे होंगे जहाँ पे कराया जा रहा था। ये सब लोग थे, इसी में से भैया बता रहे थे, और यहाँ पे एक नेताजी भी हैं, आ गए हैं अपने लोगों के साथ, यहीं पे प्रचार कर रहे थे, इनसे भी मिल लेते हैं। क्या हाल चाल है? ठीक है, सब ठीक है। मैं प्रत्याशी रहा हूँ यहाँ पे 2 बार और जीता नहीं, फिर से लड़ रहा हूँ। शास्त्री नगर बहुत पुराना वार्ड है और ये कर्मकांड स्थल जो है पिपराइज के आधे लोग यहाँ पर अपना जो पितृ का विसर्जन किया जाता है, जो 10वीं 16वीं सब किया जाता है, सब यहाँ से लोग करते हैं। 10 साल 15 साल पुराने सभासद जो थे बहुत अच्छे से वोटों से जीतते थे, लगाव था जनता का, पार्टी के नेता भी थे, लेकिन उनके द्वारा इसका प्रयास कभी किया ही नहीं कि ये कभी कर्मकांड स्थल बने। पूर्व में चेयरमैन बेचना जी भी थी, उन्होंने इसको बनवाया था लेकिन वो जर्जर होने के बाद उसको धवा दिया गया। आती हैं कुछ लड़कों द्वारा 6-7 महीना पहले अपने श्रमदान से वो बाउंड्री घिरवाया गया, अब थोड़ा उसमें आती है। लेकिन क्या ये नगर पंचायत की जिम्मेदारी नहीं है या पिपराइज की जनता क्या समझेगी इन लोगों को? आप इसी वार्ड के प्रत्याशी हैं, आपके मुद्दे में है कि नहीं? ये हमारे मुद्दे में है, हम इसको बहुत अच्छा बनवाएंगे। हमारे जितने का पहला काम मेरा कर्मकांड स्थल ही है। आप ये दूसरी बार हमारे चैनल पर बोल रहे हैं, इसके पहले वाले वीडियो में बड़ा तेज और बड़ा एग्रेसिव हो गए। इसके पहले वाले चैनल में अगर मेरे द्वारा कुछ गलत निकल गया तो इसके लिए जनता माफ़ करे। लोग नेतागण आवेश में आके जनता के दुख को देखते हुए, जनता का दुख नहीं देख गया मुझे, मेरे मुंह से अगर कुछ गलत निकल गया हो उसके लिए माफ़ करें, लेकिन वो काम करें। जनता के बीच में अगर वो चुनाव जीते हैं तो उसको काम करें। समर्थन तो आपके साथ बहुत ज़्यादा है, आज भी लोग जो है आपको आप यहाँ आते ही आपके समर्थन सर तो है, लेकिन लगाव है, एक जनता का लगाव है। सब लोगों ने विश्वास करके ही वोट देते हैं, जो नेता आता है उनको विश्वास करके ही वोट देते हैं। क्या इसका मतलब यही है कि पानी के लिए तरसें, बिजली के लिए तरसें, लाइट के लिए तरसें और तब मरने के बाद कर्मकांड के लिए तरसें? क्या इन लोगों की राजनीति क्या मतलब है? जीतने के बाद बस ये लोग आपस लिखेंगे, ये लोग जनता को देखें। इसी के साथ ये भैया हमको वीडियो दिखा रहे थे, आ जाइए भैया। भैया बता रहे हैं कि हम कई बार आवाज़ उठा चुके हैं फेसबुक के माध्यम से, तो जब ये इस तरह से आप वीडियो कर रहे होंगे तब तो आपका विरोध भी किया जा रहा है। हाँ सर, हमें बोलते हैं आप नेता बन गए हो क्या? हम बोले हम नेता नहीं बनते हैं, हमारा कहने का मतलब यह है अगर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, नहीं चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम कभी लड़े हैं नहीं, तब कैसे नेता का? असल बात जो सही मुद्दा है उस पर हम विरोध करते हैं थोड़ा, और हम चाहते हैं जो भी काम हो थोड़ा अच्छे से हो, ठीक है। तो इस पर हम थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं। और ये देख लीजिए आप, 8 महीना हो गया बन रहा है, अभी एक बोर्ड आप दिखा रहे हैं, अभी एक बोर्ड दिखा रहे थे आप कि यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है कर्म करो और फल की चिंता नहीं करो, ये लिखा हुआ है। लिखा है महिला स्नान घर स्थापना दिवस 4/10/2021, लगभग साल एक साल हो गए हैं, और नगर पंचायत पिपराइज पोखरा टोला वार्ड नंबर 9। इसमें विशेषता इसलिए हम बता रहे हैं, ये बोर्ड को दिखाने का हमारा उद्देश्य ये है कि तीसरे नंबर से ये लिखा हुआ है, तीसरी लाइन से, कि ये कार्य किसी चेयरमैन या सभासद के द्वारा नहीं किया गया है। यानी जो नगर में विकास होता है वो चेयरमैन और सभासद मिलके करते हैं, लेकिन इस दीवार का विकास मुझे जहाँ तक लग रहा है और ये जहाँ तक ये पोस्टर बता रहा है, ये जो पत्थर लगी हुई है नाम की वो बता रही है, पत्थर लगवा देते हैं लोग पहले नेताजी लोग और बाद में काम शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे जो है काम भी हो चुका है और पत्थर भी लगा है, लेकिन जानते हैं कहें जाए, क्योंकि ये नेता नहीं कोई कराया है। अगर नेता कराया होता तो सबसे पहले यहाँ पत्थर लग जाती उनके नाम से, बाद में काम शुरू होता,
लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि कौन लोग कराए हैं, तो समर्थक कराए हैं, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है उन लोगों का। उसके बाद लिखा गया है कि हम लोग नगर के वासी हैं। जो लोग नगर, इस नगर, इस वार्ड के लोग थे, नगरवासी थे, वो लोग मिल करके आपस में सामंजस्य बना के सहयोग भावना ले करके इस दीवार का निर्माण कराए हैं। और दीवार इसलिए बनी है क्योंकि महिलाओं की आबरू, और महिलाएं जब स्नान करती थी तो यहाँ पे खुला रोड है ये, और रोड हमेशा चलता रहता है, और रोड जो है मुँह तोप करके जाते हैं, ये खुला रहता है, और टर्मिनल सभासद के कोई के चिंता नहीं है, कोई के चिंता नहीं है। अब तो प्रत्याशी लोग आते होंगे, प्रत्याशी लोग आवे, लेकिन वो प्रत्याशी जो जीता है वो नहीं आता है। थी बता रही थी आवास के नाम पे पैसा लिया गया था, इन्हीं का बात हम उस दिन बोले थे, कान में बाली रख के, कुंती देवी, अच्छा, कान में बाली रख के पैसा जमा, काने बाने दे के, एक बार बाबू 1700 देहली एक जने के, 3000 देहली एक जने के, फिर वहाँ घर पर ले जाके बाबू को फोटो में बाना, उनके देहली अभी तक ले आए, 3 बरस हो गए अभी तक आवास नहीं आई। तो फिर पूछे ना गए कि हमारा पैसा के पैसा दे लू, चलिए कहा लोग पैसा भुला जाए के दे लू पैसा। तो ये जो है देख सकते हैं कि आवास के नाम पे किस तरह से पैसे की वसूली की गई है, ये यहाँ सभी महिलाएं और पुरुष लोग मिल करके बता रहे हैं।